नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बहुत ही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाईपोरा में संदिग्ध आईडी मिली। सेना के बम निरोधक दस्ते ने इस आईडी को नाकाम कर दिया। ये बड़ी कामयाबी भी यहां पर हाथ लगी और सेना ने आतंकियों के खात्मे और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने सेना के कमांडर्स के साथ राजौरी का दौरा किया और सेना के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने को कहा है। यानी कि ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ यूं ही जारी रहेगा। और भारत के एक्शन का आफ्टर इफेक्ट पीओके में साफ साफ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पिन पॉइंट स्ट्राइक। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास जंगल में क्यों आग लगाई? आईएसआई का पूरा कच्चा चिट्ठा भारत की सेना को पता है। आईएसआई किन रास्तों से आतंकी घुसपैठ कराने में लगी है सेना को पता है। पीओके में कितने टेरर कैंप हैं सेना को सब पता है। किस टेरर कैंप में कितने आतंकी जमा हैं सेना को यह भी पता है। आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं ये सब भी सेना जानती है। एलओसी के पास कहां कहां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं एक एक लोकेशन की जानकारी है। पीओके में दहशतगर्दों की कैसे ढाल बनी हुई है ये पाकिस्तान की सेना, इसकी पुख्ता जानकारी है। कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई है। आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा सताने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। आतंकियों को सुरक्षा देने वाली पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली आईएसआई को भी नाकामी का खौफ सता रहा है। बड़ा सवाल है, क्या रात के अंधेरे में एक बार फिर लिखी जाने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट? क्या एक बार फिर बॉर्डर पार कर भारत की सेना आतंकियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है? वजह नंबर एक, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बम डिफ्यूज किया गया। वजह नंबर दो, आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा है पाकिस्तान। वजह नंबर तीन, एलओसी के पास जंगल में आग लगाने की साजिश का पर्दाफाश। वजह नंबर चार, आतंक के नेटवर्क को तोड़ने लगी भारतीय सेना। वजह नंबर पांच, राजौरी में सेना की एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। आप सुन सकते हैं, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। तो इसी के साथ ही इस आईडी को नाकारा किया गया, इस आईडी को तबाह कर दिया गया, इस आईडी को यहां पे तबाह कर दिया गया एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। वो थी आईडी, ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे ये आईडी रखी गई थी। और आईडी को नाकारा करने के लिए यहां पे आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया था और बिलाखिर इस आईडी को एक धमाके के साथ जो है वो तबाह कर दिया गया। दूसरी ओर पुंछ में आतंकियों की तलाश में बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों की मददगारों को हिरासत में लिया गया है, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाईपोरा में संदिग्ध आईडी मिली। संदिग्ध आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता हरकत में आया
और वक्त रहते एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से उरी की तरफ जाने वाला ये रास्ता बारामूला, जिस जगह पर यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ ये आईडी रखा गया था, उरी तक श्रीनगर बारामूला हाईवे ये है और इसी हाईवे पर आगे जाकर कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं और टूरिस्ट प्लेस भी है पाकिस्तान से बेहद करीब और इस जगह का इस्तेमाल किया गया। और हालांकि इसके बारे में खबर तो ये भी मिल रही है कि कुछ ऐसे संदिग्धों की भी पहचान हो चुकी है जिन्होंने आतंकियों को मदद दी है। गुलमर्ग तक ये रास्ता जाता है, हाईवे ये जो है कुवाड़ा और गुलमर्ग जाता है। हम सभी जानते हैं नए साल का ये समय गुलमर्ग बड़ी संख्या में यहाँ जो टूरिस्ट है वो आते हैं पहुंचते हैं। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या भी की गई थी। इस जगह को टारगेट खासकर के इसलिए किया गया, जैसा सुबह से ही बता रहे थे आपको न्यूज 18 इंडिया के रिफर, कि यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए वो आईडी रखा गया था। पुंछ में 13 की गली में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो 13 की गली के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। पुलिस अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि पीओके से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पीओके और एलओसी से इंटेलिजेंस को एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है और इसके लिए उसने उनके ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव किए हैं। रिपोर्ट तो ये भी है कि पाकिस्तान ने सभी लॉन्चिंग पैड एलओसी के आसपास एकदम तैयार कर दिए हैं। पुंछ के 13 की गली में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। आतंकी साउथ के पीर पांजाल के इलाके में राजौरी पुंज से लेकर अखनूर सेक्टर तक लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 आतंकी सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के साथ साथ अंदरूनी इलाके में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीसी मेंबर्स फुल एक्शन मोड में हैं। एलओसी के पास भारतीय सेना के कैंपों में हलचल बढ़ी हुई है। 25 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था। 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे, सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बैक टू बैक दौरे के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को खौफ सताने लगा है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए, आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है।